और फिर वली में से आने के बाद हम करेंगे केक कट कर, आप लोगों ने हमारे साथ ही बने रहना है और जनेडा भी तैयार हो चुकी हैं और इनके बाबा और सिलास और सिबल चले गए हैं क्योंकि हमारे बाहर ही प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ जाना लाजमी था तो इन हमने सोचा कि जाएंगे थोड़ी इन्जॉयमेंट करेंगे और इन्जॉय करेंगे और आप लोग भी दिखाएंगे तो चलो चलते हैं वली में पे तो यहाँ पर हम बाहर आ गए थे जैसे कि बताया था कि बाहर गली में ही वलीमा था तो हम लोग आ चुके थे और सबसे हम मिले थे क्योंकि सब जानने वाले थे रिलेटिव थे तो यहाँ पर दूल्हा दूल्हे की एंट्री हो रही है फिर उसके बाद उनका फ़ोटोशूट होगा तो हम लोग सब वेटिंग में बैठे हुए थे कि हम लोग इन्हें जाएँ और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसेशन करके आएँगे तो यहाँ पर सिब्बल भी कभी किसी का दुपट्टा लेके कर दुल्हन बन रही थी और कभी किसी का तो ये मेरा बेटा सिलास है तो हम लोग सब साइड पर ही बैठे थे एक ही टेबल में तो यहाँ पर मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब सी हो गई थी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी तकरीबन रात का एक डेढ़ बज चुका था और मेरी छींकें तो बंद ही नहीं हो रही थी नॉन स्टॉप मेरी छींकें आ रही थी और फिर बहुत ठंडा मौसम हो रहा था और उस दिन कराची में सर्दी भी दस दस थी हाँ तो बहुत अच्छा भी लग रहा था मज़ा भी आ रहा था लेकिन फिर भी इंजॉय भी करना लाज भी होता है और फिर साथ, साथ साथ सब काम चलते रहते हैं तो शॉलमियत और जनेडा आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा जाता है कहीं भी जाएं बस इनकी वीडियो इनके शूट इनकी पिक्स बस अपनी ही होती है तो हम लोग सब वेट कर रहे थे कि हम भी जाएंगे और दूर दूर से मिलेंगे और डांस भी बहुत अच्छे और ज़बरदस्त किया था सब ने लक्ष लेख सबसे गुरा आ, सबसे गुजारिश की जाती है आ। और यहाँ पर खाना भी आ चुका था काफी लेट हो चुके थे लेकिन खाना बहुत मजेदार और बहुत यमी था जब भूख लगी है तो फिर बहुत मजा आता है और मजा आते खाने में और गरम-गरम खाना था और सर्दी का मौसम था गरम-गरम बिरयानी थी तो काफी मजा आ रहा था और जिस-जिस बिरयानी खाने है वो आ जाए और एंजॉय करें तो यहाँ पर हम खाना इंजॉय कर रहे थे और खाना फिर मिनटों में ख़त्म भी हो जाता है <laughs> जब शादी ब्याह में जाती है तो यहाँ पर डांस शुरू हो गया था हमने सोचा कि चलो हम भी सामने जाते हैं और डांस करते हैं ये इनके बाबा के फ्रेंड है जो कि जितेंद्र के गाने पे डांस करते इनको शुरू से ही जितेंद्र बनने का शौक था और आप देख सकते हैं गेटअप भी बिल्कुल इन्होंने जितेंद्र वाला किया था और पता नहीं कौन सा गाना गा रहे थे गोरी तेरे नस नस में और सब ऑरेंज पहन रहे थे तो ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया तो फिर इनके बाबा ने बताया कि गाने के दौरान ऑरेंजेस आ रहे होते हैं जितेंद्र के गाने में तो फिर मुझे याद है हाँ हाँ कभी ऑरेंज आते हैं कभी वो मटके फटके दिखाते हैं तो यहाँ पर कोई उधर से ऑरेंज फेंक रहा था कोई उधर से ऑरेंज फेंक रहा था एंड में हमारे पास भी एक ऑरेंज आ गया था फिर हम लोगों ने वो छील कर खा लिया था तो ये बहुत मज़ा आया था इस डांस को देख कर और वाकई में भाई इन्होंने जितेंद्र की तरह डांस किया था बहुत अच्छा गेटअप वाइट शूज़ वाइट पैंट और कैप पहन कर बहुत अच्छा लग रहा था और बिल्कुल लग रहा था जैसे वो जितेंद्र की कोई पुरानी मूवी देख रहे हैं तो आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे और ये मेहमान आए थे दूल्हे के कज़न्स आए थे लाहौर से तो इन्होंने भी खूब मायों मेहंदी हर जगह पर बहुत डांस किया और इस

छोटे दोनों बच्चे बाहर थे ये जनेडा थी कपड़े चेंज कर लिए थे और अभी बस वो इसी चक्कर में थी कि जल्दी से केक खाया जाए ताकि जो हम बाहर से खाना खा कर आएँ वो हमारा खाना जल्दी से हजम हो जाए तो बाकी ट्रीट हम इसी शाहौलमेद को देंगे कल और कल भी थोड़ी सी इसी के अंदर हम वीडियो ऐड करेंगे और इतनी सर्दी थी आप देखें हमने जैसी कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डाली वो फ़ौरन बर्फ़ बन चुकी थी और हमें ख़ुद हैरियत होती कि इतनी सर्दी थी इससे तो मुझे बात छीन के आ रही थी हम इंजॉय कर रहे थे हमें बहुत मज़ा आया था तकरीबन रात के तीन साढ़े तीन बज चुके थे अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से और बहुत मुश्किल से बनाई जाती है ना कि बिला वजह बना दी जाती है अब देख सकते हैं हमने एक वक्त में दो दो प्रोग्राम आपको दिखाए हैं तो उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों प्रोग्राम पसंद आ गए सिब्बल भी वहाँ से आ चुकी थी और सिबल ने भी सोचा कि मैं भी थोड़ा सा हाँ में हाँ और ना में ना मिला लूँ तो सिबल्क ने भी साथ हमारे थोड़ी सी सेलिब्रेशन की थी और सिलास अभी भी बाहर ही थे वो अभी भी इंजॉय रहे थे क्योंकि रात चार साढ़े चार बजे तक प्रोग्राम चलता रहा था हॉल्स वगैरह में हो तो ये मसला होता है कि जल्दी ही ख़त्म कर देते हैं लेकिन जब अपने इलाके में मोहल्ले में गली में हो तो फिर देर तक करते रहते प्रोग्राम और मज़ा भी आता है और इन्जॉय इंजौ, भी किया जाता है और मैं और हस्बैंड जी हम लोग इन्जॉय कर रहे थे हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था और यही दूसरे दिन दूसरे दिन की शाम है तो यहाँ तो यहाँ पर मिठाई आ चुकी थी ये मिठाई दुल्हन के घर से नहीं आई थी मेरी कज़न के बेटा हुआ है तो उन्होंने उस खुशी में मिठाई में भिजवाई थी जो कि हमें बहुत अच्छा लगा था और खुदा उन्हें बरकत दे और बहुत ज़्यादा सर्दी थी हमने सब के बच्चों के लिए अंडे भी बॉईल किए थे और सब इंजॉय कर रहे थे उम्मीद करती वीडियो अच्छी लगेगी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बहुत ज़्यादा प्यार देना और जो अभी तक मेरी वाइटि फैमिली में शामिल नहीं हुए वो जल्दी से आए और मेरी वाइटि फैमिली में शामिल हो जाए और हमारी वीडियो इन्जॉय करें एक साथ में आपको दो दौद की वीडियो देखी और जिस जिसका मिठाई खानी और हमारी खुशी में शामिल होना है वो आए और इन्जॉय करें तो यहाँ पर सब गहमा गहमी और मजा मौज मस्ती कर रहे थे तो अभी हम लोगों ने शॉलमेत का एक भी देने छोटी सी वो भी आपके से शेयर करेंगे तो ट्रीट देने के बाद हम फिर आपको बताएंगे कि हमने शोलमियत शमियत को क्या ट्रीट दी है यहाँ पर तो इन दोनों बहन भाइयों के ऐसे ही चलती रहती है यहाँ पर सब अपने अपनी पसंद की मिठाई खा रहे थे किसको क्या पसंद और किसको क्या नहीं तो मिनटों में मिठाई ख़त्म हो चुकी थी और मज़ा आया था और हमने इनके लिए और इनके बेटे के लिए प्रे की थी ताकि हमेशा खुश रहे और मुस्कुराती रहे मेरी कजन थैंक यू डियर कजन आपका बहुत-बहुत खुदाوند આપકો બહોત જ્યાદા બરકર દે ઓર એસી ખુશહલા કો દિખાના નસીબ કરે તો યહા પર જી બચે રેગા મમ્મા આપ તો આનહી રહી હે તો મેને સજે કે મે ભી આ જાઉ તો અચ્છા નહીં લગતા દે કે બિલા વચાઈ બિના દુપટ્ટે કે બેઠી હર બચ્ચે વિડિયો બના દેતે હે તો મુજે યે બિલકુલ અચ્છા નહીં લગતા तो शॉर्मेत फिर शुरू ही हो चुकी थी शॉर्मेत बनाती जा रही थी और मैं तो कोई चीज़ खा ही नहीं सकती जनेडा का मुंह एनी टाइम खुल जाता है अगर मैं कोई चीज़ अपने मुंह में डालती हूँ तो उसका मतलब होता है कि मामा जो खा रहे हैं मैं पहले वो खा लूँ तो इनके पापा ने मिठाई खा ली थी वो नीचे थे हमने उन्हीं से ओपन करवाई थी हमने कहा था आप बड़े हैं पहले आप करें तो यहाँ पर हम गए थे इचन ईटौन इच से हम लाए थे शॉर्मेत की बर्थडे की ट्रीट जो कि तो यहाँ पर ले आए थे हम लोग बाहर से खाना तो जैसे कि हमने शॉलमियत से इनके बाबा ने वादा किया था कि आपको एक जबरदस्त सी ट्रीट मिलेगी तो ये देख सकते हैं ट्रीट आ चुकी है जबरदस्त सी हम ईटोन से लाए थे चिकन दिक्के परांठे और चीज़ी रोल तो जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद है तो हम यही लाते हैं और आप लोगों को तो पता है तो रात को यही हम लोग गए थे तकरीबन तकरीबन ढाई बजे दो बजे तो क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं तो थक जाते हैं और सोए रहते हैं सर्दी है सर्दी, सर्दी में बच्चे ज़्यादा सोते हैं चार बजे उठते हैं चार बजे इनका नाश्ता होता है और फिर उसके बाद कोई खाने का पता नहीं होता फिर चाय वग़ैरह पीते हैं और चाय के साथ कुछ ना कुछ खा लेते हैं और फिर जैसे मिठाई आ चुकी थी आ चुकी थी तो इसलिए फिर लेट खाना खाया जा रहा है वरना तो अदरवाइज़ बच्चे जल्दी खाना खा लेते हैं जैसे इनके बाबा ड्यूटी से आते हैं तो जल्दी हम लोग खाना खा लेते हैं तो यहाँ पर हम बैठे थे और गपशप भी लगा रहे थे तो बच्चे कहते इतनी लेट क्यों आए तो फिर हम इन्हें बता रहे